सभी लोग मिलकर हम लोग मोदी जी को सपना को साकार करेंगे और पूर्णतः 400 पार का लक्ष्य जो हमारा सरकार ने तय किया है और मोदी जी का जो लक्ष्य है हमारा 400 पार का वो हम लोग हासिल करने का प्रयास करेंगे। मेरा अधिकार किसी को देंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं 2 साल पहले ही छोड़कर भाग जाते हैं, भाजपा के नाम पर वोट ले लेंगे। एक बार दर्शन भी नहीं दिए यहाँ पर आकर। पावर स्टार, वोट फॉर ओनली पावर स्टार। पावर यहाँ से शुरू होला, यहाँ से खत्म। उपेंद्र कुशवाहा जी का आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी को ही वोट देंगे। हम आए हैं, इनका पॉपुलर गायक हैं, अभिनेता हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत सफल नहीं रहे हैं और बार बार पार्टी बदलना और कभी नीतीश कुमार जी के साथ जाना, अपना पार्टी का विलय करना, फिर से जो मतलब पार्टी करना, यानी सिर्फ मतलब खुद को लोकसभा जो है ना पहुँचाने का वो जो मतलब काम कर रहे हैं और इस संकल्प के साथ वो जो काम कर रहे हैं, तो एक नया चेहरा और युवा मतलब चेहरा जो पवन सिंह जी है, तो हम लोग चाहेंगे कि उनको एक बार मतलब उनको मौका मिलना चाहिए। हम लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में खड़ा है, जो कि तमाम यहां पर कुछ युवा लोग मौजूद हैं और कुछ गार्जियन टाइप के बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। चिलचिलाती धूप में क्या कर रहे हैं और इन लोगों का मुद्दा क्या है? भैया आप लोग ये बताइए कि अरंडा से है? हाँ हाँ, अरंडा से। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो लोकसभा काराकाट लोकसभा जो चुनाव होने वाली है, इसको लेकर आप लोगों का क्या ख्याल है? हमारा ख्याल है कि हम लोग मोदी जी को ही देख रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह आए हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी युवा नौजवान साथी हमारे जो हैं रोड पे मौजूद हैं, परंतु वोट सभी लोग मिलकर हम लोग मोदी जी को सपना को साकार करेंगे और पूर्णतः 400 पार का लक्ष्य जो हमारा सरकार ने तय किया है और मोदी जी का जो लक्ष्य है हमारा 400 पार का वो हम लोग हासिल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी का आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी को ही वोट देंगे। हम आए हैं, इनका पॉपुलर गायक हैं, अभिनेता हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, परंतु हम लोग जब राजनीति की बात करेंगे तो वहाँ मोदी जी को ही समर्थन करना उचित। आप लोग ये बताइए कि मोदी जी को समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आप लोग के क्षेत्र से पहले भी सांसद रह चुके हैं, क्या उन लोगों के नज़र में आपकी उपलब्धि दिखाई दिया? काफ़ी काम उन्होंने किया है, नाली गाली गली सड़क पुल पुलिया से निर्माण के लेकर बहुत सारा कार्य है जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, जो आम जनता के बीच दिखाई भी देता है और लोग लोकप्रियता में उनको देखते भी हैं, काफ़ी चर्चित सांसद हैं। पिछले बार भी उन्होंने काफ़ी काम किया था, इस बार भी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और सांसद के रूप में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? वही ख्याल हमारा वही है। अच्छा, बिहार में काफ़ी जाति पाति मायने रखता है सर, क्या ख्याल है आपका? उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत सफल नहीं रहे हैं और बार बार पार्टी बदलना और कभी नीतीश कुमार जी के साथ जाना, अपना पार्टी का विलय करना, फिर से जो मतलब पार्टी करना, यानी सिर्फ मतलब खुद को लोकसभा जो है ना पहुंचाने का वो जो मतलब काम कर रहे हैं और इस संकल्प के साथ वो जो काम कर रहे हैं, तो एक नया चेहरा और युवा मतलब चेहरा जो पवन सिंह जी है, तो हम लोग चाहेंगे कि उनको एक बार मतलब उनको मौका मिलना चाहिए। चाहेंगे यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को चाहेंगे। भैया का कहना है कि मोदी जी को मजबूत करना है और चाचा का कहना है वही मतलब हाँ मोदी जी पवन सिंह वो तो आगे पर सोचल जाएगा, जैसे जैसा माहौल रहेगा वो माहौल के हिसाब से चलेगा। तो फाइनल यानी कि पवन सिंह को वोट करने के मूड में आप लोग हैं? पवन सिंह जी को ही वोट देंगे, क्योंकि अगर जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ युवा लोग से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह के प्रति युवाओं का क्या ख्याल है, क्या इन लोग सोचते हैं, थोड़ा अब इन लोग से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के लिए भी लगता है कि लोग भी आए। कहाँ से आए हैं हम लोग? कछमे गाँव से हैं। कछमा? अच्छा, ये बताइए गर्मी में आप लोग आए हैं, लुक लहर बह रहा है, 5 घंटा से आए हैं यहाँ? पवन भैया से हम लोग को प्रेम है, उनका गाना सुन के प्रेम है कि वोट देना है? वोट देना, अब तो वोटे देंगे उनको। पूरा गांव वोट देगा? पूरा वोट, एकदम पूरा कछवा गांव दिल खोल के देगा वोट इस बार पवन भैया के। हाँ, काहे पवन सिंह को वोट दीजिए? अरे प्रेम है, उनका संगीत इतना अच्छा है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है उनका संगीत। पहले के यहाँ भी सांसद बहुत है, महाबली सिंह, वो सब हम लोग देखे नहीं किए हैं। अभी आप बता है, अभी आप बता है, तब पहले के जो सांसद थे, हमरो पानी पिलाइए भैया, बड़ा मियां का पीछे पीछे भी है। पहले के जो सांसद थे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये बीजेपी के नाम पर वोट ले लेते हैं और 2 साल पहले ही भाग जाते हैं। ऐसा का है, एकदम हकीकत बात है, पूछ लीजिए, रोड देख लीजिए, 3 साल में ही भाग गए। सही बोल रहे हैं भैया,
मानव संसाधन मंत्री थे राजकीय, केंद्रीय संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी थी। मानव संसाधन मंत्री थे जब ये उपेंद्र कुशवाहा, तो अपने राज्य में कोई यूनिवर्सिटी दिए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? आप लोग बताइएगा। नहीं दिए हैं सर, नहीं दिए। एग्जैक्ट बात है, कोई भी यूनिवर्सिटी दिए हैं? तो युवा के मुर्गा भात किया है जी, मुर्गा भात से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। जनता नया इस बार चुनाव चाहता है, अगला चेंज। मुर्गा भात का जमाना गया, अब सभी युवा वर्ग लिटरेट पर्सन हो गया है, सब लोग जानता है, ठीक है ना? उससे इसीलिए पवन सिंह को एक ऐसा प्रत्याशी है जो निर्दलीय के रूप में हम लोग भारी मतों से जिताएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। एक दिन पहले मुर्गा भात पर बिके वाला जनता नहीं है, मुंह वाला जमाना गया सर। कहाँ है आप, कहाँ है? उस काम करेगा उसको वोट देंगे, बिल्कुल। पवन सिंह को मौका देना चाहिए, रियल में बोल रहे हैं, खाली यूट्यूब पर की वोट कहिए तो हम आप लोग को लाइव पे लाइव आके देंगे वोट। अच्छा, इसमें कोई डरने वाली बात है कि यूट्यूब पर हम बोल देंगे? काहे डरेंगे भाई, यह लोकतंत्र है, मेरा अधिकार किसी को देंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, दो साल पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं, भाजपा के नाम पे वोट ले लेंगे। एक बार दर्शन भी नहीं दिए यहाँ पर आकर, आप ही बताइए है ना बात? मेरी तो बात हम लोग देख ही रहे हैं। महाबली जो आपने बोला उनको आपने अभी बताया, आज तक हम लोग अभी देखे नहीं है, नहीं देखे है। के बाद महाबली सिंह हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा सीधे दिल्ली रवाना होते हैं, कार्ड में हम लोग को मानते ही नहीं है। हाँ, वो सोचते हैं कार्ड में हम लोग आते ही नहीं है, उनका ऐसा मानना है। बिहार में बड़ी जात पात हुआ है, यहाँ जाति पाति में वोट मिलते है कि ना? जाति पाति कोई आधार नहीं है, कह रहे हैं यहाँ पर विकास के नाम पर जना, और यहाँ आर्थिक विकास के नाम पर। हम लोग को नया चयन करना है इस बार, बस ना बीजेपी दे रहे हैं ना आरजेडी, निर्दलीय तनी मनी नहीं, भारी मतों से जीता, भारी मतों से जीता, भारी मतों से। आप देख लीजिएगा, देख सकते हैं कि भाई युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना हम करें, उपेंद्र कुशवाहा महाबली सिंह से लोग नाराज हैं, बिल्कुल नाराज, एकदम 100% 100% नाराज। भाई आप लोग वोट लेके दो साल पहले ही भाग जाते हैं, वोट फॉर पावर से शुरू वाला से खत्म से हुई। चलिए, झमकौला से हुई कि बमकौला से हुई, अब कैसे हुई, लेकिन हुई वोट पर ओनली पवन से, चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में से वही कि भैया पवन सिंह को वोट करने के मूड में है ओबरा विधानसभा के लोग, जो कि अरंडा में भी हम मौजूद थे, काट विधानसभा के लोग बोलिए ओबरा का माला पहन के अभी विधायक जी बनी है। पवन सिंह के भाई है छोटका, छोटका भाई ऋतिक रोशन बने हुए हैं। थोड़ा कैमरा मैन चाहूंगा, थोड़ा घुमा दिए चारों तरफ, देख सकते हैं कि सभी ऑडियंस का, सभी दर्शक का यही मन है कि एक बार काराकाट लोकसभा में बदलाव हो और नया चेहरा है। भाई लोग यहाँ के पानी हमको भी पिला दिए, बड़ी लूक लहर है भैया, सही भैया, क्या पीजिएगा बोलिए ना, पानी पीजिए, पवन सिंह के वोट दीजिए, पानी सादा पानी पी के चलिए ना, सब चलिए। देखिए भाई जी, दुकान फ्री करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, अब हम लोग को संघर्ष करना है, मेहनत करना है, वोट फॉर पवन सिंह।